छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ स्थित कमल विलास पैलेस पहुंचे, जहां उन्होंने खैरागढ़ विधानसभा के दिव्यांगत विधायक देवव्रत सिंह के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर परिवार वालों से मिलकर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए ढांढस बंधाया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राजा देवव्रत सिंह के जाने से खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र सहित छत्तीसगढ़ को नुकसान हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे खुद भी व्यक्तिगत क्षति पहुंची है। हमने तो साथ ही राजनीति शुरू की, रानी साहब के देहांत के बाद जो सीट रिक्त हुआ, उसके बाद 95 में तो विधायक बने, 93 में तो साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में साथ में राजनीति की। आखिरी दौर में जरूर दूसरे दौर से चुनाव लड़े, लेकिन भी और एक उनके जाने से एक अच्छे राजनेता को उन्होंने खो दिया, एक अच्छे मित्र को दिए। मेरा घर को जो नुकसान हुआ, राज परिवार को भी पूरी क्षति हुई है, लेकिन व्यक्तिगत क्षति के रूप में। इस दौरान छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया, गृह मंत्री रामध्वज साहू, कैबिनेट मंत्री शिव कुमार डहरिया, जिला कांग्रेस अध्यक्ष पदम सिंह कोठारी, पूर्व विधायक गिरवर जंघेल, अनुराग शांति तुर्रे, यतेंद्रजीत सिंह सहित कांग्रेसी मौजूद रहे। दुर्ग संभाग से विशेष संवाददाता वाई के साहू की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।